शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम सदन कक्ष में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम विभाग के संबंधित अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। त्योहारों के मद्देनजर किए गए इस बैठक में महानगर की साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में नगर आयुक्त के कर्मचारियों और सुपरवाइजरों को साफ सफाई से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, महाप्रबंधक जलकल पीके गुप्ता, अनिल कुमार श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी, कर्मचारी, सफाई सुपरवाइजर और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, जब ये पहुंचे तो वहाँ सारे सरकारी कर्मचारी वहाँ इकट्ठे मिले, कौन कौन को इस रूप से कितने बार हैं, कितने स्कूल हैं, कितने जो है डिपार्टमेंट का मिला अस्तर है, कार्यक्रम अस्तर है, ये जाकर के लिए करते हैं तो ये उसको देख लेते उसके हिसाब से कार्य कराएंगे। अभी बात ये थोड़ा सा कर उठा के सबको ले लेते सर्वे करने निकले कोई बाहर है जो बाहर है उपस्थिति दे देगा, उपस्थिति देने के बाद अपने बीट के हिसाब से सफाई करने निकल जाएगा और सफाई करने के बाद 6 बजे से लेकर जहाँ पे स्थल सज्जित होगा वहाँ पे इकट्ठा आ जाएगा। कम से कम 14 तारीख को यानी कल 5 से 8 जगह को मिले, कुछ जगह पे चीजें दलदल जाएंगे, कुछ जगहों पे लेकर दिखाए जाएंगे, हम लोग भी आपस में बांट के ड्यूटी लगा दे रहे हैं, थोड़ी देर में ड्यूटी लगा देंगे। उसको ले लीजिए, नगर निगम द्वारा त्योहारों के मद्देनजर आने वाले त्योहार दशहरा, विजयादशमी, दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ पर्व पे नागरिकों को एक साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, पथ प्रकाश व्यवस्था बेहतर करने के लिए, साथ ही साथ सड़क शहर के अंदर के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। 5 दिनों में विशेषकर नवरात्र और विजयादशमी के पूर्व 14-15 विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें न सिर्फ नदी नली नालों के पोखरों की सफाई कराई जाएगी बल्कि वार्ड में स्थित पार्क, जो भी प्राथमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पर और सभी मार्गों के कार्यक्रम स्थलों पे, दुर्गा पूजा प्रतिमाओं के आसपास विशेष सफाई की जाएगी। मार्केटों में त्यौहार के अवसर पर भारी भीड़ रहती है, वहाँ पर रात्रकालीन सफाई व्यवस्था प्रारंभ की गई है। सभी जगहों पर पथ प्रकाश और सभी जो नागरिक सुविधाएं हमें प्रदान करनी है उसको बेहतर देने के लिए गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए बैठक को बुलाया गया था। इसमें वार्ड वार 70 नोडल अधिकारी 70 वार्डों में लगाए गए हैं, उनके ऊपर परीक्षण अधिकारी हैं, उनके ऊपर नोडल अधिकारी हैं जो 5 दिन लगातार भ्रमण फील्ड करके कार्य करेंगे। सभी नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों सफाई कर्मियों की छुट्टियाँ लगाई गई हैं, सभी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं, सभी लोग त्योहारों के मद्देनजर फील्ड में रह के कार्य करेंगे। दो कर्मचारी हैं, करीब 7 कर्मचारी अनुपस्थित हैं, उनका जो है एक दिन का वेतन काटा जाएगा। वार्ड की जो रेगुलर सफाई है उसके अलावा उस वार्ड में जो पार्क हैं, जितने विद्यालय हैं, जितने रामलीला से संबंधित मंचन के स्थान हैं जहां रावण दहन होता है विजयादशमी पे वहां हैं, साथ ही साथ उसके पूर्व दशहरा में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को जहां पे दुर्गा पूजा प्रतिमाएं स्थापित होंगी उनके पंडाल और पंडाल के चारों तरफ 2 शिफ्ट में सफाई व्यवस्था कराना, मार्केटों में आने जाने वाले प्रमुख मार्केट और उनके तरफ आने वाले मार्गों की सफाई व्यवस्था, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो रथ यात्रा निकलती है उससे संबंधित मार्गों की व्यवस्था, विसर्जन स्थल चाहे वो राजघाट पे हो या महेश्वरा पे हो अथवा डोमिनगढ़ में हो वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सब पे डिस्कस करते हुए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आज बैठक नगर निगम द्वारा की।